नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्न और स्वस्थ होंगे और परमात्मा आपके जीवन में सभी खुशियां बनाए रखें। आइए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, यह बिल्कुल फ्री होता है मित्रों। इसके अलावा आप कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। मैं 20 वर्ष से अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ और आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है, तो कुंडली परामर्श अवश्य लीजिए। और क्योंकि सही और सटीक परामर्श लेना जरूरी है, कई बार आपको पता नहीं होता, कोई भी ज्योतिष की बात करता है, ग्रह नक्षत्र की बात करता है, तो आप उसको ज्योतिष ही समझ बैठते हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबी ज्ञान होता है उनका और उनका कोई अनुभव नहीं होता। तो ज्योतिष जो है बेसिकली अनुभव पर आधारित है कि कितनी ज़्यादा व्यक्ति कुंडलियाँ देख चुका है, ना कि सिर्फ ग्रह नक्षत्र की बात करने वाला व्यक्ति। तो सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का फैसला कीजिए और सोच समझ के ही उपाय कीजिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ज्योतिषी नहीं होता जो आपको ग्रह नक्षत्र की जानकारी देता है, वो सिर्फ पढ़ पढ़कर। और कई लोगों को तो मैंने ये भी देखा कि डायरेक्टली ही पढ़ पढ़कर बोलते हैं वो, क्योंकि जिसको ज्ञान है उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। मैं अपने सामने कोई कागज़ किताब कुछ नहीं रखती हूँ, डायरेक्टली आपसे बात करती हूँ, इसको आप मेरा लाइव सेशन ही समझ सकते हो। इसमें कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, मैं भी जैसे बोल रही हूँ इसी को मैं अपलोड कर दूंगी, और ये विचार मेरे पास कुछ भी लिखे नहीं होते, माइंड में आते हैं और मैं डायरेक्टली आपसे बात करती हूँ। आज मैं आपको बहुत बहुत खास जानकारी देने जा रही हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो डेली रूटीन होता है उसमें कुछ खास आपकी आदतें होती हैं जो आपके ग्रह नक्षत्र को बताती हैं। जैसे कि हैबिट से मतलब बेसिकली जो आज का वीडियो है, ये कई लोगों की आदत होती है ना चाटने की, मतलब दिमाग चाटना, उंगली चाटना, कई लोग अपने होंठ चाटते हैं, कई लोग बर्तन चाटते हैं। तो ये जो चाटने की जो आदत है ना, इसका क्या रिजल्ट है और इसका क्या मीनिंग है आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, ये सूक्ष्म विश्लेषण होता है जो हम अपनी पारखी नज़रों से अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर निकालते हैं इनके मीनिंग। और ये रेशियो काफ़ी कुछ सही बैठता है, और मतलब मैक्सिमम केस में ये बातें सही ही होती हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों पर नहीं बैठती हैं। इसके पीछे रीज़न है कि बहुत लोगों की आदत स्वभाव जनित भी होती हैं, लेकिन बेसिकली इसके मूल में कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है। जो लोग भोजन करते समय बर्तन को चाटते हैं, कई लोग होता है ना फिंगर से बर्तन को चाटते हैं और उसका स्वाद ले लेके ऐसा लगता है कि वो बर्तन अभी धोकर ही रखा है, ऐसे लोग बहुत मितव्ययी होते हैं, पैसे को सोच सोच के खर्च करते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा टिकता नहीं है, पैसे की कई बार कमी बनी रहती है, लेकिन वो अपनी सूझबूझ से पैसा कमाते बहुत हैं, तो ये उनकी मेन स्थिति होती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उंगली वैसे ही चाटते रहते हैं, मतलब उंगली को मुँह में डालते रहते हैं, चाटते रहते हैं, ऐसे लोग तनाव के शिकार होते हैं। और ऐसे लोगों को कई बार बीपी वगैरह की प्रॉब्लम भी होती हुई देखी गई है, ऐसे लोगों के मन में उथल पुथल चलती रहती है। और बेसिकली ऐसे लोगों का जो राहु प्लैनेट होता है या तो लग्न में होता है या राहु का उन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। अब ऐसे लोग जो दिमाग चाटते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं दिमाग खाना, दिमाग चाटना, मतलब किसी व्यक्ति से इतने क्वेश्चन करना कि वो व्यक्ति परेशान हो जाए, कुछ रीजनल लैंग्वेज में उनको खपती सनकी ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, पर बेसिकली वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उनकी आदत होती है गहराई तक जाकर किसी बात से आश्वस्त करना अपने आप को। और ऐसे लोगों का रूलिंग प्लैनेट शनि होता है, या तो उनका लग्नेश शनि होगा, मूलांक उनका 8 हो सकता है, शनि बहुत पावर में हो सकता है, शनि लग्न को देखता हुआ हो सकता है। तो ये सारी स्थितियां निर्मित करती हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत डीप में जाकर और लोगों से उसके बारे में जिज्ञासु होकर बातचीत प्राप्त करने की कोशिश करता है। कई कई केस में बुध प्रधान व्यक्ति भी ऐसा करते हैं, क्योंकि बुध प्रधान व्यक्ति बुद्धि के धनी होते हैं और वो संतुष्ट नहीं होते दूसरे के जवाब से, तो बहुत से सारे सवाल जवाब करते हैं जिससे कि लोग उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और कहते हैं ये दिमाग चाटने वाला व्यक्ति, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो बहुत जिज्ञासु होता है वही व्यक्ति इस तरह की बातें करता है। कई लोग थाली को चाटते हैं, बची हुई सब्जियां होती हैं, जैसे कि बर्तन खाली कर रखे होते हैं तो उनको ही चाटने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों का भी बृहस्पति अच्छा होता है। लेकिन कई बार ऐसे जो ये जो नेचर है ना कि हर चीज़ को बिल्कुल चाट के ही रखना, बिल्कुल साफ ही करके रखना, ऐसे लोगों को कई बार आर्थिक संकट और किसी प्रकार की परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चाटने से पहले किसी भी चीज़ को इन सब बातों का विचार करें, ये सामान्य विश्लेषण है, इसको बहुत गंभीरता से ना लेवें। और ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि ज्योतिष के साथ साथ कुछ रोचक सामग्री भी आपको बताई जाए, और ये सब फेक नहीं होता है, ये सब वर्षों के अनुसंधान का ही नतीजा है कि हम इतना सूक्ष्म विश्लेषण करके छोटी छोटी हैबिट को भी एक तरह से पारखी नज़रों से परख कर आपको बताते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।